हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और स्वागत करती हूं अपने चैनल नीरज कुकिंग ब्लॉग्स में। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अरबी के पत्ते के पकौड़े। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ मैंने लिया है खड़ा मसाला, मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ, जीरा और लाल मिर्च और एक आम का अचार लिया है। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पानी डाल के इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसको अलग बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ मैंने लिया है चावल। चावल को 6 घंटा के लिए भिगो के रख दिए थे। आपके पास सूखे चावल का आटा हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबको मिक्सी के जार में डाल के थोड़ी सी पानी डाल के और इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ मैंने लिया है एक बाउल। एक बाउल में 1 कप बेसन ले लिया है, 1/4 कप मैंने यहाँ काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है, 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ हल्दी पाउडर का यूज़ किया है और 1 छोटी चम्मच नमक डाला है, 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ जीरा का पाउडर डाला है और जो फाइन पेस्ट तैयार करके रखे थे मसाले के उसको डाल देंगे और जो चावल का आटा मैंने तैयार करके रखा था पेस्ट बना के उसको डाल देंगे। बिना पानी डाले हम इन सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ डाला है 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अब इसमें थोड़ी सी पानी डाल के इसका एक घोल तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर डालना भूल गई थी तो मैंने ऊपर से डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक फ़ाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ मेरा फाइन सा पेस्ट बन के तैयार है। तो यहाँ अरबी के पत्तों को मैंने ले लिया है, 3-4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके पीछे का पार्ट जो हार्ड होता है ना उसे हमने चाकू की हेल्प से काट लिया है। यहाँ अरबी के एक पत्तों को लेके उसके ऊपर इसका लेप लगाएंगे बेसन का और एक लगा लेंगे। उसके बाद एक लेयरिंग करेंगे 1/1 करके इस सारे पत्तों को हम अच्छे से लेप लगा लेंगे। अरबी के पत्ते का पकौड़ा लोग कई प्रकार से बनाते हैं, मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो आइडिया आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ टोटल 5 पत्तों का लेयरिंग किया था, एक रोल बनाया था और आप जितना मोटा या पतला चाहते हैं उस हिसाब से इन पत्तों को इसमें लेयर करें। तो आप इसे बनाते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप पत्ता को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये आपकी रोल जो बनेगी मोटी बनेगी और कम यूज़ करते हैं तो ये पतली बनेगी। तो मैंने यहाँ टोटल 5 पत्तों का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं मेरी रोल बन के तैयार है, ना ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। तो बहुत से लोग होते हैं जो इसमें धागे लपेटते हैं, तो मुझे इसमें धागे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेसन की जो लेयरिंग है ना बहुत अच्छे से हो गई है कि ये आपस में ही सब चिपक गए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। मैंने यहाँ धागा की यूज़ नहीं किया है। अब इसको स्टीम कर लेंगे। मैंने स्टैंड के ऊपर इसको रख दिया था, स्टैंड के नीचे पानी था। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, मैं इसमें नाइफ डाल के आपको दिखाती हूँ। अगर ये चिपकेंगे तो आप समझ जाइए कि ये कच्चे हैं। तो आप देख रहे हैं नाइफ मेरी बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुका है। तो ठंडा होने के बाद मैं इसमें कट लगा लूँगी। तो यहाँ काटते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये बिल्कुल गर्म में इसे ना काटें, ये 50% जब ठंडी हो जाए तब इसे काटें, अच्छे से ये कट जाती है। तो यहाँ मेरे सारे अरबी के पकौड़े कट के तैयार हैं। तो मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसको तवे पर ही हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। तो तवे पे मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, सरसों तेल, और खड़ा जीरा डाला है। खड़ा जीरा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब आप खड़े जीरे में इसकी फ्राई करते हैं तो बहुत टेस्टी ये लगती है, बहुत ही टेस्टी कि मैं बता नहीं सकती। और फ्राई करके ना खाएं और ऐसे तवे पे रोस्ट करके खाएं तो ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप इस तरह से पकौड़े अपने घर पर ज़रूर बनाएँ और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलें। तो 5 से 7 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे बनाया था। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।